रुद्रेश्वर अर्बन मल्टीस्टेट सोसायटीचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला। सरकार महिला आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवत आहे याची माहिती घेऊन अर्थसहाय्य मिळवल्यास निश्चितच विकास होईल। विठ्ठलराव वाडगे यांनी विकासाचे ध्येय बाळगून राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमद्वारे विविध प्रकल्प राबवून शेतीपूरक महिला उद्योजक बँकिंग क्षेत्रात उत्तम कामगिरी केल्याचं गौरव उद्गार राष्ट्रीय सहकारी बँक विकास निगम पुण्याचे रिजनल डायरेक्टर लेफ्टनंट कर्नल विनीत नारायण यांनी रुद्रेश्वर अर्बन मल्टीस्टेट सोसायटीच्या वर्धापनदिनी कार्यक्रमात गौरव उद्गार काढले। अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष बाबासाहेब भोस हे होते। विनीत नारायण पुढे म्हणाले, शेतीपूरक ग्रामीण उद्योगासाठी सरकार 33-75% अनुदान देत आहे, यासाठी आपल्याला माहिती नसल्यानं योजनेचा लाभ मिळत नाही, लोकांनी गट तयार करून पुढे यावं। चार्टर्ड अकाउंटंट अमोल देशमुख म्हणाले की 9 वर्षाच्या काळात सुरुवातीला 5 वर्षात रुद्रेश्वर अर्बन मल्टीस्टेटकडे 34 कोटीच्या ठेवी होत्या, त्यानंतर 3 वर्षात 100 कोटी झाल्या। हे श्रेय संस्थापक चेअरमन विठ्ठलराव वाडगे यांना जातं। कष्ट सचोटी ध्येय याचा संगम वाडगे यांच्यामध्ये दिसून येतो। तर बाबासाहेब भोस यांनी अध्यक्षपदावरनं बोलताना म्हणाले की विठ्ठलराव वाडगे यांनी बँकिंग क्षेत्रात केवळ कर्ज वाटप करून व्याजरूपी नफा कमवणारे हे उद्दिष्ट न ठेवता जनावरे छावण्या लॉकडाऊन काळात किराणा किट अन्नछत्र चैतन्य बाजार समिती विविध प्रक्रिया उद्योगातून हजारो रुग्णांना जोडण्याचा यशस्वी प्रयोग केला। सामाजिक बांधिलकी या कृतीतून साकारली। यावेळी 1 कोटी रुपये बचत गट वाटप प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले। प्रासविकात शरद गावडे यांनी 900 बचत गटामधील सुमारे 10,000 महिलांना कर्ज वाटप केल्याचं तसेच विविध उपाययोजना भविष्य काळातील उपक्रमांची माहिती दिली। यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सौकल्याणी लोखंडे चैतन्य महिला बचत गट सह पतसंस्था चेअरमन सौ रुक्मिणी वाडगे आदी उपस्थित होते। कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सुयोगधस सुधाकर वांडेकर प्रदीप आठारे रमेश गावडे केशव महाराज दादा सकट रमेश गावडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले। आज मैं रुद्रेश्वर सोसाइटी के जो उनका फाउंडेशन डे है आज इनके तकरीबन 9 साल हो गए और इस 9 साल के उद्घाटन के समारोह पे मैं अपने वडगे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और आज मैं स्वयं देखा कि जिस तरीके से ये छोटे छोटे अपने महिलाओं के जो गढ़ है ये पैसा उनको जो ट्रांसफर हो रहा है और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ रहा है। आज के दिन में हम ये चाहेंगे कि जो रुद्रेश्वर जो काम कर रहा है जो FMC का काम इन्होंने किया है जो माल गोदाम का काम कर रहे हैं ये आगे भी ये करते रहें बढ़ाते रहें और ऐसे ही लोगों का सेवा करते रहें। थैंक यू। संस्थेचा नवा वर्धापन दिन होता। वर्धापन कोविडचं महामारी असल्यामुळे एकदम साध्या पद्धतीने साजरा केला। केंद्र शासनाचे NCDCचे प्रमुख माननीय नारायण साहेब आज प्रमुख पाहुणे म्हणून या कार्यक्रमाला आले होते। त्यांनी बचत गटांना चांगलं मार्गदर्शन केलं। बचत गटासाठी आज आपण जून महिन्यामध्ये आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाटप करतो की जेणेकरून जे पैसे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या शाळेसाठी खता शेतीच्या बी भरण्यासाठी हे उपयोगी पडतील त्या हिशोबाने आपण या जून महिन्यात साधारणतः 5 कोटीचं बचत गटामार्फत वाटप कर्जाचं वाटप करणार आहोत। हे मोठं उद्दिष्ट ठेवून आज 1 कोटी रुपयाचे आज ऑर्डर दिलेले आहेत आणि त्या बचत गटाला आज 1 कोटी रुपयाचं वाटप केलेलं आहे। हेच आज नवीन वर्षाच्या कोविडच्या ह्याच्यात काळात ही मोठी मदत गोरगरीब शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना होईल ही मी अपेक्षा बाळगतो। NCDC के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। हमारा मेन उद्देश्य है जितने भी सहकारिता से जुड़े लोग हैं उनका उत्थान करना और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना। साथ में हम ये चाहते हैं कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार ने चला रखी है उसका जितना भी बेनिफिट है जितना भी सब्सिडी है जितना भी ग्रांट है लास्ट लेवल तक एक सबसे नीचे जो स्तर के जो किसान हैं उन तक पहुंचना चाहिए सहकारिता के माध्यम से जो कि हमारा मेन उद्देश्य है। इसके साथ में जैसे मैं बताना चाहूँगा अगर कोई नया सहकार युवा सहकार हमारी स्कीम है अगर कोई बनाना चाह रहा है युवा सहकार स्कीम में जिसके अंदर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो मार्केट रेट में चल रहा है सब्सिडी उससे भी सम रेट पे आपको पैसे मिल जाएंगे और उसको उसके अंदर जो सब्सिडी जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वो भी उसके साथ एड ऑन हो जाता है तो इफेक्टिव उसका जो फाइनेंस चीज़ें बहुत कम में मिल जाती है युवा सहकार में। ये बेसिकली जितने भी नए लड़के हैं कुछ नया काम करना चाहते हैं वो फिर ये युवा सहकार में इस्तेमाल होता है।
हम नकली सहकार में आते हैं जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है ये चीज़, जो कि औरतें अपने घर से कुछ गृह उद्योग करना चाहती हैं, छोटा छोटा काम करना चाहती हैं, ये भी ये हम इनको हेल्प करते हैं। साथ में जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, खासकर डेयरी हो गया, जितने भी वीकर सेक्शन फिशरीज हो गया, आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ है, टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, कुछ भी चीज़ों से जो वीकर सेक्शन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट आपको 15% सब्सिडी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर देती है। जितना भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये आपको मिलेगा और आपको जितने भी सब्सिडी है ये तुरंत आपको मिल जाता है, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक स्कीम है प्रोसेसिंग स्कीम, जिसके अंदर कोई भी जो अनाज हमारे भारत देश में 40% जो अभी वेस्ट हो जाता है उसको प्रोसेस करने के उद्देश्य से हमारे सरकार ने शुरू किया है प्रोसेसिंग स्कीम, जिसके साथ में आप कोई भी सामान अगर प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप उस प्रोसेसिंग के साथ में आप 35% सब्सिडी आपको सरकार उपलब्ध कराती है। साथ में अगर आप मस्त सब जैसे फिशरीज बोलते हैं, फिश से लेकर कोई चीज़ काम करना चाहते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट 40% की सब्सिडी दे रही है आपको। अगर कोई महिला या फिशरीज का काम करती है या SC ST कोई काम करना चाहता है तो 60% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। साथ में अगर कोई आप गोडाउन बनाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं या ग्रेडिंग सॉर्टिंग का मशीन चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% से लेकर 35% सब्सिडी देती है। साथ में अगर आप कोई काम इस हिसाब से करना चाहते हैं, मधुपालन का, अगर मधुपालन से कोई काम करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको 75% से लेकर 90% की सब्सिडी देती है। ये लोगों को जानकारी नहीं है। साथ में हमारा जो मेन HEDC का उद्देश्य है ये है कि अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है, इंटर्नशिप मतलब कि कोई सीखना चाहता है सहकारिता में काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो हम सहकार मित्र युवा स्कीम है हमारी, अपना आवेदन कर सकते हैं दिल्ली में और उसको शॉर्टलिस्ट होने पर हम उसको अपने पास में तकरीबन 3 महीने के लिए 45,000 रुपये उसको इंटर्नशिप पैसा भी देते हैं और काम भी सिखाते हैं। साथ में इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा, एक हम बहुत आज के डेट में प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी साहब ने ये बताया था, एक FPO बनाने के लिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आम भाषा में फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज बोलते हैं, ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप 50 लोगों एक साथ मिल जाए तो आप एक कंपनी या सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं FPO के अंदर में, और ये तकरीबन गवर्नमेंट आपको 33 लाख रुपये आपको एज ए ग्रांट आपको देगी, जिसका कंपोनेंट है 18 लाख रुपये देती है अगले 3 साल तक के लिए आपका कोई भी ऑफिस का खर्चा, चेयरमैन का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा सब गवर्नमेंट वहन करेगी। साथ में 15 लाख रुपये जो आप जमा करेंगे, 750 के आसपास जो लोग जमा होंगे उसमें 2,000 रुपया पर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट आपको उतना आपके फॉर्म में देगी, तो तकरीबन 15 लाख ये होते, 33 लाख का ग्रांट इस तरीके से गवर्नमेंट आपको देगी एक FPO बनाने में। दूसरा इसके साथ में जो मेजर आपको जो फायदा ये होगा कि अगर आपको ये हैंडहोल्ड करेगी, हैंडहोल्ड का मतलब कि आपके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगी उस FPO के साथ में, जो कि आपको बताएगी आपके क्षेत्र में क्या फसल है, क्या फसल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका जो खरीद बिक्री सब वो देखेगी अगले 5 साल तक। ये संस्था को अलग से हम अलग से पैसा देंगे जिसको बोलेंगे CBBO। ये संस्था है जो कि बड़े बड़े नामी संस्था है जो पूरे देश में काम करती है, आपका माल यहाँ से उठाएंगी, आपको हेल्प करेंगे दिल्ली कैसे बेचना है, चेन्नई कैसे बेचना है, बाहर कैसे बेचना है, ये संस्था को अलग से दे रहे हैं। साथ में इसके जो आपको बढ़ाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट आपको विदाउट एनी कोलैटरल देगी, जो कि आप कभी भी अपना CBBO के साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं। मोटा मोटा ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने क्षेत्र को विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए और अपने एक फार्मर संगठन बना के एक ऊंचा काम कर सकते हैं। प्रतिनिधि मुस्ताक पठान, न्यूज स्टूडेंट 24, श्रीगोंदा। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।